आगे बढ़ाओ कि मुस्लिम बरादरान नहीं बल्कि पूरी दुनिया आपके पास आए। आपको किसी को कहने की जरूरत ही ना पड़े कि भारत के पास ना जाओ, आपको किसी को कहने की जरूरत ही ना पड़े कि इस मुल्क में ना जाओ, आपके पास खुद चल के सारे आए। पाकिस्तान को तो इस तरह से इमेज, RRS का जो आर्टिकल गिलगित से हटाया गया था उसके बारे में फिर पाकिस्तानियों की क्या राय है? गिलगित कश्मीर से पहले गिलगित के अंदर से ये आर्टिकल हटाया गया था, तब तो कोई पाकिस्तानी नहीं बोला, तब तो गिलगितियों ने इतना एहतजाज किया था कि हमें हमारा हक दिया जाए, यहाँ कोई पाकिस्तानी नहीं आएगा। क्योंकि आज भी अगर देखें तो कश्मीर, बताएं हम भी तो बुचर ऑफ कश्मीर हुए ना, जिन्होंने 75 सालों में सिर्फ कश्मीर की आजादी का, कश्मीर की यकजहती का, कश्मीर के जद्दोजहद का गला घोंटा है। आज अगर वो कश्मीर किसी प्लेटफॉर्म पे खुद को रिप्रेजेंट करने जा रहा है तो हम आज भी उस कश्मीर का गला दबाने के लिए आर्ग्यू करने लग गए तमाम ममालिक से कि मत जाओ, मत करो, मत लड़ो, मत उनकी डेवलपमेंट होने दो, तो फिर हम भी तो बुचर हुए। वहां पर यूएस सिटीजन्स हो गए हैं, तो जो बाइडेन ने कहा कि जितने सिटीजन्स वहां पर आ गए स्टेडियम में, मैं स्टेडियम के अंदर लोगों की तादाद कैसे कम करवाऊं? नरेंद्र मोदी की स्पीच सुनने के लिए यूएस सिटीजन स्टेडियम को भर चुके हैं। भाई आप मुझे बताओ, हम कहते हैं बुचर ऑफ गुजरात, एक बंदा जो के कातिल है गुजरात का, उसकी स्पीच के लिए यूएस सिटीजन इतने मरे जा रहे हैं। बाहर के मुमालिक के एक-एक पर्सन को नरेंद्र मोदी पसंद है, सिवा इधर पाकिस्तान में हमने सऊदी अरेबिया को क्या सिला दिया? तो आज अगर कोई हमें इग्नोर कर रहा है तो हम उसका ये मतलब ना लें कि वो मतलब हमें जवाब नहीं दे रहा तो वो हमारी मदद करना चाहता है। नहीं भाई, वो हमें इग्नोर कर रहा है, साफ साफ नजर आ रहा है कि वो हमें इग्नोर कर रहा है। पाकिस्तान ने कश्मीर को क्या किया? 75 साल हो गए कश्मीर का नारा लगाते हुए, कश्मीर कश्मीर करते हुए, तो आज जब G20 इतना बेनिफिशियल साबित होने जा रही है, G20 की मीटिंग कश्मीर के लिए, कश्मीरी यूथ के लिए, कश्मीरियों के लिए, तो पाकिस्तान उस मुद्दे के खिलाफ खड़ा हो गया, तो आपको नहीं लगता कि ये तो खुदगर्जी है बहुत ज्यादा कि इतने बरसों से इसका मतलब हमें कश्मीरी जमीन और कश्मीरी लोगों से कोई लेना देना नहीं था, हम तो अपने आप में एक जंग लड़ रहे थे? मैंने नोट किया कि जहां हमने जिना का घर जलाया तो जिना की फैमिली किधर है? जिना की फैमिली तो इंडिया में है, जिना की बेटी इंडिया में थी, जिना की बेटी का बेटा इंडिया में था, जिना की बेटी का बेटे के आगे दो बेटे इंडिया में है, वो तो सेफ है, उनको तो किसी ने कुछ नहीं कहा। आज तक हमने उनके बारे में कोई न्यूज नहीं सुनी, लेकिन हमने तो जिना के ना होने के बावजूद भी जिना का घर जला दिया। कि आज एक एक कश्मीरी इंडिया का उठ के बोल रहा है कि हम बहुत खुश हैं, हमें पाकिस्तान से कोई कंसर्न नहीं। हम आज भी कहते हैं कि वो सारों के ऊपर डंडा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो महविश देखें, पहले पाकिस्तान, अब की ये न्यूज नहीं है कि पाकिस्तान इस तरह के पंजाबी जुबान में को तो हर कंडे इख्तियार कर रहा है कि पीछे हो जाए सारे हिंदुस्तान से। ये बहुत पहले से चलता आ रहा है, हम हर बार देखते हैं कि जहां पर मुस्लिम कंट्री इंडिया के साथ हमें इन्वॉल्व नजर आती है, चाहे वो ट्रेड में हो, चाहे वो किसी भी चीज में हो, तो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर्स की भरपूर कोशिश होती है कि वो हमारे जो मुस्लिम कंट्रीज है उनको अपने हाथों में ले ले। तो मैं ये समझती हूँ कि जहां पर आप अपने मुस्लिम ब्रादरान को अपने साथ इन्वॉल्व नहीं कर सकते, आप अपनी इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस क्रिएट करो, आप अपने मुल्क को इस तरह आगे बढ़ाओ कि मुस्लिम ब्रादरान नहीं बल्कि पूरी दुनिया आपके पास आए। आपको किसी को कहने की जरूरत ही ना पड़े कि भारत के पास ना जाओ, आपको किसी को कहने की जरूरत ही ना पड़े कि इस मुल्क में ना जाओ, आपके पास खुद चल के सारे आए। पाकिस्तान को तो इस तरह से इमेज क्रिएट करना चाहिए। हम लोग देखें, पाकिस्तान एक मुल्क है, एक जमीन है। हम लोग अक्सर अक्सर क्या, हर कोई बोलता है पाकिस्तान ने कुछ नहीं दिया, पाकिस्तान ने ये नहीं किया। पाकिस्तान कैसे दे जब पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत ही ऐसे हुक्मरान है, मुसल्लत ही ऐसे अदारे हैं, तो पाकिस्तान क्या करेगा? तो ये चीज है। मैंने ये पीछे ही 2-3 दिनों पहले ये टॉपिक किया था कि सऊदी अरेबिया ने साफ साफ बोला है कि आप अगर हमें रोकते हैं तो किस बिना पे रोकते हैं? हमें अगर हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने हैं तो हमारा फायदा है, हम बनाएंगे। आप देखती हैं कि दुबई से मुंबई से जो है इंडिया तक, यूएई तक वो एक टर्मिनल बना है जिससे ट्रेड आसानी हो जाएगी। सऊदी अरेबिया का भी ये मतलब प्लान चल रहा है। ईरान ने जो पाइपलाइन है प्लेंटी पाकिस्तान को डाल दिया, इंडिया के साथ वो काम शुरू कर दिया। भाई आप लोग अपने वादों पे पूरा तो उतरो, $15 बिलियन की आप लोगों को प्लेंटी डली है, आप लोग खुद उस पर काम नहीं करे, कितना टाइम हो गया था। आप सीपैक का काम देख लें, चाइना कर रहा है तो कर रहा है, हमारा इस पर क्या काम चल रहा है? तो मतलब ये चीजें हैं, आप लोग मतलब आगे बढ़ ही नहीं रहे तो आपका कौन मुल्क साथ देगा?
अभी सऊदी अरेबिया अगर जाता है कल से, आई थिंक सो इसकी समर स्टार्ट हो रही है, तो सऊदी अरेबिया जाता है तो वेल एंड गुड, सऊदी अरेबिया के लिए बहुत अच्छा है, अपने मुल्क के लिए हर कोई सोचता है, उनके बेनिफिट्स हैं। और मुझे 100% यकीन है कि अब कोई भी कंट्री हो, चाहे वो टर्की हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो ईरान हो, सब हर एक जो है वो हिंदुस्तान से ताल्लुकात बेहतर करेगा। अच्छा ना, मगर बात करें इसमें कुछ ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने पाकिस्तान के कहने के बाद अभी तक जवाब नहीं दिया। आपको क्या लगता है उनके जवाब का डिले इस वजह से आ रहा है कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहते हैं या कोई और वजह हो सकती है? नहीं, वो इस वजह से उन्होंने जवाब, जहां तक मुझे लगता है कि इस वजह से जवाब नहीं दिया ताकि वो पाकिस्तान को इग्नोर कर रहे हैं। बिकॉज पाकिस्तान की सिचुएशन हमारे सामने है, जब अपने ही घर के लोग आपस में खाना जंगी करेंगे तो बाहर के लोग आप पे क्या यकीन करेंगे? अब आपके घर में मुसलसल लड़ाई हो रही है तो पड़ोसी एक दफा समझाएंगे, दो दफा समझाएंगे, रोज रोज आके खुद को जलील तो नहीं करेंगे? तो सऊदी अरेबिया जो हमारा राइट हैंड, टर्की हमारा लेफ्ट हैंड था, उन दोनों ने बड़ी मदद की हमारी। सऊदी अरेबिया ने एन उमर डिफॉल्ट होने के चांसेस पे भी हमें 3 बिलियन डॉलर्स दिए थे। टर्की ने भी भरपूर मदद की। हमने टर्की को क्या सिला दिया, हमने सऊदी अरेबिया को क्या सिला दिया? तो आज अगर कोई हमें इग्नोर कर रहा है तो हम उसका ये मतलब ना लें कि वो मतलब हमें जवाब नहीं दे रहा तो वो हमारी मदद करना चाहता है। नहीं भाई, वो हमें इग्नोर कर रहा है, साफ साफ नजर आ रहा है कि वो हमें इग्नोर कर रहा है। अनम, आपने बात की कि हमने क्या सिला दिया, तो अगर सिले की बात है तो आपके सामने है कि पाकिस्तान 75 साल से कश्मीर कश्मीर करता आ रहा है, मगर आज पाकिस्तान को ये बात पता भी है कि अगर G20 वहां पे कंडक्ट होती है तो कश्मीरी यूथ को बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मिल सकते हैं, कश्मीरी यूथ बहुत आगे बढ़ सकता है, कश्मीर तरक्की कर सकता है, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग हो सकता है। ये सारी बातें जानने के बावजूद भी पाकिस्तान इसके खिलाफ खड़ा हुआ है, तो कश्मीरी यूथ ही आवाज उठा रहा है कि अब पाकिस्तान तो कहता है वो हमें सपोर्ट करता है, अगर सपोर्ट करता है तो अब हमें सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा, अब हमारे खिलाफ क्यों खड़ा है? इसका मतलब कि पाकिस्तान को लालच था, हमसे कोई मतलब नहीं था, ना हम उनके बहन भाई हैं और ना कश्मीरी जमीन उनकी अपनी है, उनको सिर्फ मतलब के हैं वो लोग। तो क्या उनकी ये बात दुरुस्त है? अनम, आपने बात की सिले की कि पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया को क्या दिया, पाकिस्तान ने तुर्की को क्या सिला दिया, तो सिले की अगर बात है तो मुझे पता है पाकिस्तान ने कश्मीर को क्या दिया। 75 साल हो गए कश्मीर का नारा लगाते हुए, कश्मीर कश्मीर करते हुए, तो आज जब G20 इतना बेनिफिशियल साबित होने जा रही है, G20 की मीटिंग कश्मीर के लिए, कश्मीरी यूथ के लिए, कश्मीरियों के लिए, तो पाकिस्तान उस मुद्दे के खिलाफ खड़ा हो गया, तो आपको नहीं लगता कि ये तो खुदगर्जी है बहुत ज्यादा कि इतने बरसों से इसका मतलब हमें कश्मीरी जमीन और कश्मीरी लोगों से कोई लेना देना नहीं था, हम तो अपने आप में एक जंग लड़ रहे थे? महविशा, आपने अपने सवाल में ही अपना जवाब दे दिया है। मैं यही बोलने लगी थी कि हम अपने पहले कश्मीर के ऊपर नजर डालें, हमने क्या किया है। जिया दौर की बात करें, भुट्टो दौर की बात करें, मुशरफ दौर की बात करें, तो वहां पर फिर भी उन्हें रोटी मिल रही थी। अब शहबाज शरीफ दौर की बात करें, नवाज शरीफ दौर में भी उन्हें मिल रही थी रोटी। अब शहबाज शरीफ दौर की बात करें, इमरान खान दौर की बात करें, तो वो तो रोटी से भी तरस गए हैं, वो तो आटे से तरस गए हैं। मतलब इतने बुरे हालात आ गए हैं। हम अपने कश्मीर के ऊपर पहले नजर डालें, दूसरी जानब इंडिया के कश्मीर की बात करें, अगर उनके लिए एक प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छा साबित हुआ है, उसने इतने सालों के अंदर इतनी अच्छी डेवलपमेंट कश्मीर में कर दी है, तो भाई हमें उनका साथ देना चाहिए। हमें तो कश्मीरी लोग अजीज है ना, हम तो ये समझते हैं, हम तो ये कहते हैं, हमें तो ये बताया जाता है कि कश्मीरियों पर जुल्म हो रहा है, तो आज अगर वो जुल्म खत्म हो गया, आज अगर वहां पर डेवलपमेंट हो गई है, हम तो इतने ज्यादा वो कहते हैं लकीर के फकीर हैं कि आज एक एक कश्मीरी इंडिया का उठ के बोल रहा है कि हम बहुत खुश हैं, हमें पाकिस्तान से कोई कंसर्न नहीं। हम आज भी कहते हैं कि वो सारों के ऊपर डंडा है। भाई एक के ऊपर होगा, दो के ऊपर होगा, सबके ऊपर थोड़ी होगा। चलो मान लिया कुछ एरियाज के अंदर अभी भी जुल्म और ज्यादती है, लेकिन वो क्या है, पाकिस्तान में नहीं है। हर एक मुल्क के अंदर है। फलस्तीन के अंदर क्या हुआ, चाइना के अंदर क्या हुआ, लद्दाख में क्या हो रहा है, हर तरफ है ऐसा। क्या सिर्फ कश्मीर इंडिया का ही नजर आता है? क्या सिर्फ इंडियंस नजर आते हैं जो कि मुसलमानों पे एक जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं? नहीं, आज अगर कश्मीरियों का हक उन्हें मिल रहा है तो पाकिस्तान को भरपूर साथ देना चाहिए। इससे तो साफ साफ वाजह होता है, कश्मीरी लैंड चाहिए, कश्मीरी नहीं चाहिए। और अगर हम कभी किसी पाकिस्तानी से, क्योंकि मैं भी पब्लिक रिव्यूज करती हूँ, आप भी करती हैं, तो अगर हम कभी किसी पाकिस्तानी से ये सवाल करते थे, मैंने अपनी काफी वीडियोस में किया हुआ है, कि आपको कश्मीरी चाहिए या कश्मीरी लैंड चाहिए, तो वो ये कहते थे कश्मीर हमारी शाह रग है, हमें कश्मीरी लैंड भी चाहिए।
तो मैंने एक सवाल किया कि आपको अगर कश्मीरी लोग मिल जाएं तो क्या कश्मीरी लैंड छोड़ेंगे? उन्होंने कहा नहीं छोड़ेंगे। तो मतलब साफ साफ वाजिया होता है कि हमारा मेंटेलिटी, हमारा जहन क्या कहता है कि हमें दोनों चीजें चाहिए। तो यहाँ से साफ वाजिया होता है कि आज अगर हम उनका साथ नहीं दे रहे, कश्मीरियों के हक में खुश नहीं है, अगर उनकी खुशी में खुश होना होता, अगर उनके लिए हम ये सब कुछ स्टैंड कर रहे, हम अगर 6 यौम-ए-यकजहती का दिन अगर मनाते हैं उनके लिए, तो आज तो हमें खुश हो जाना चाहिए, आज तो भारत से हाथ मिला लेना चाहिए। लेकिन आज भी हम वही सरकमस्टांस में है कि नहीं, उन पर जुल्म और ज्यादती है। G20 की इवन मीटिंग भी हम कहते हैं कि उनके लिए बुरी है। हम तो ये भी कहते थे 370 का आर्टिकल जो हटाया गया वो भी गलत है। तो मुझे ये बताएं, RRS का जो आर्टिकल गिलगित से हटाया गया था, उसके बारे में फिर पाकिस्तानियों की क्या राय है? गिलगित कश्मीर से पहले गिलगित के अंदर से ये आर्टिकल हटाया गया था, तब तो कोई पाकिस्तानी नहीं बोला। तब तो गिलगितियों ने इतना एहतजाज किया था कि हमें हमारा हक दिया जाए, यहाँ कोई पाकिस्तानी नहीं आएगा। क्योंकि आज भी अगर देखें तो कश्मीर, ये हुंजा और गिलगित और स्कर्दू, ये सारे जो मुतनादे इलाके में आते हैं, ये सारे जो इलाके हैं इनके ऊपर पाकिस्तानियों का कोई हक नहीं है। वो जाके अपनी जमीन नहीं बना सकते। लेकिन गिलगित के अंदर से ये आर्टिकल पास बहुत पहले कर दिया गया था, तब क्यों नहीं कोई पाकिस्तानी बोला? तब क्यों उनको राइट नहीं मिला? आज कश्मीर की अगर बात करते हैं तो ऑपोजिशन में वो भी खड़े होते हैं, इंडियंस भी सवाल करते हैं, कश्मीरी भी सवाल करते हैं। तो यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान अगर खुश होता, पाकिस्तान कश्मीरियों के हक में अगर बात करता, तो आज G20 की मीटिंग में खुद भी इन्वॉल्व हो जाता। ऐसा ही है। अन्ना, अगर बात करें तमाम बाकी मुमालिक की, तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान कश्मीर में आने से क्यों रोक रहा है तमाम मुमालिक को? क्या वजह हो सकती है सामने अभी तक नहीं आई है? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जहां तक मुझे लगता है, मैं भी के G20 के मीटिंग के अंदर अगर बड़े बड़े मुमालिक लाइक मुस्लिम ब्रादरान हमारे अगर चले जाते हैं वो देखेंगे। इनफैक्ट अगर अभी की बात करें तो बहुत से मुमालिक जो कि कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो अगर मजीद G20 की मीटिंग के अंदर और ज्यादा मुआहदे हो गए, प्रोग्राम्स पे काम होना शुरू हो गया, तो फिर पाकिस्तान को डर है कि पाकिस्तान का जो एक पलड़ा है वो कमजोर हो जाएगा कश्मीर इशू पे। वो यूएन के अंदर अगर जब भी हम पहले देखते हैं बात करते हैं तो यूएन रेजुलेशन को नहीं मानता। आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि यूएन रेजुलेशन साफ साफ कहते हैं कि कश्मीर, हमारे कश्मीर से पहले अफवाज हटाई जाए, फिर जाके कश्मीरी जो है इलेक्शन करवाए जाएंगे दोनों तरफा, जब इंडियन की अफवाज इधर आएगी और हमारी अफवाज हटेगी। तो यूएन रेजुलेशन तो ये कहते हैं, तो यूएन रेजुलेशन को भी नहीं मानते हम लोग, हमारे प्राइम मिनिस्टर्स, लेकिन कश्मीरी मसला लाजमी रखते हैं। तो उनको यही डर है, जहां तक मुझे लगता है, कि कश्मीर मसला जो है वो थोड़ा सा डाउन चला जाएगा अगर सारे बड़े मुमालिक G20 ग्रैंड कंट्रीज अगर कश्मीर चली गई और मजीद वहां पर डेवलपमेंट और प्रोजेक्ट सबने स्टार्ट कर दिए, तो पाकिस्तान थोड़ा सा अलोन हो जाएगा। अच्छा, ना पाकिस्तान में फिलहाल जो क्राइसिस चल रहे हैं, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान उनको इग्नोर करके और कश्मीर के मुद्दे में जबरदस्ती टांग फंसा रहा है, जबकि उसकी जरूरत भी नहीं है? सॉरी, कौन सी प्राइजेस समझ नहीं आई मुझे? मैं कह रही हूँ पाकिस्तान में चलने वाले क्राइसिस इस हद तक बढ़ चुके हैं, उनको इग्नोर क्राइसिस करके, पाकिस्तान उनको इग्नोर करके और कश्मीर मुद्दे के अंदर अभी भी टांग फंसाए बैठा है, जिसका कोई फायदा नहीं है। देखें, ये बात आप बोल रहे हैं, ये बात मैं बोलूंगी नहीं, ये बात इंटरनेशनल मीडिया बोल रहा है, ये बात बाहर के मुमालिक बोल रहे हैं, ये बात हमारे मुस्लिम बरादरान बोल रहे हैं कि अभी आपको अपनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, अभी आपको मुश्किल हालात में से निकलना चाहिए, अभी आपको डिफॉल्ट के रास्ते से पीछे आना चाहिए, अभी आपको अपने 7 ममालिक के साथ ट्रेड करके अपने जो मसले मसाइल है उसे सॉल्व करना चाहिए। आप तो अभी भी अपने कश्मीर इशू पे, अभी देख ले बिलावल भुट्टो गए, उन्होंने भी ये किया, उससे पहले यूएन के अंदर जब हमारे शहबाज शरीफ गए, उन्होंने भी यही किया। हमारे ये डिफॉल्ट का रास्ता तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 6 मंथ 5 मंथ तो हो गए हमें इमरान खान के बाद, जब ये सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल होती गई। आज भी अगर हम देखें तो इवन के गिरफ्तारियां खड़े हैं, जो बोलता है उसे उठा लेते हैं, जो बोलता है उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। जो अभी ये देखें कि आपस की जो आपस की लड़ाई है, आपस की जो पार्टीज इन्वॉल्व है एक दूसरे के, तो किसका नुकसान है? पाकिस्तान का नुकसान हुआ, पाकिस्तान की चीजों का नुकसान हुआ, पाकिस्तानी लोगों का नुकसान हुआ, जानी नुकसान हुआ। हमने तो ये भी नहीं नोट किया, मैंने अपनी एक वीडियो की थी तो उसमें हमने तो ये भी नहीं नोट किया कि जहां हमने जिना का घर जलाया तो जिना की फैमिली किधर है? जिना की फैमिली तो इंडिया में है, जिना
जिना की बेटी इंडिया में थी, जिना की बेटी का बेटा इंडिया में था, जिना की बेटी का बेटे के आगे दो बेटे इंडिया में है, वो तो सेफ है, उनको तो किसी ने कुछ नहीं कहा। आज तक हमने उनके बारे में कोई न्यूज नहीं सुनी, लेकिन हमने तो जिना के ना होने के बावजूद भी जिना का घर जला दिया। तो फिर हम तो मतलब वो डिजर्व ही नहीं करते कि एक बाबा ही कौम ने हमें अलग मुल्क दिया, इतनी जदोजहद के बाद क्या कुछ फेस किया, आज हमने उनका ही घर जला दिया, हम फिर कैसे पाकिस्तानी है? हमसे बेहतर तो फिर इंडियंस है जिन्होंने जिना की फैमिली को आज भी पुर सेव रखा हुआ है। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा ले। अना मैं कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू देख रही थी, एक जर्नलिस्ट ने एक नॉर्मल इंसान से पूछा कि पाकिस्तान के करंट सिनेरियोस पे क्या कहोगे, और उसने बहुत जज्बाती होकर जवाब दिया कि मुझे बताएं ये पकड़ रहे हैं जो लोग, उनको क्यों पकड़ रहे हैं, जो बोलता है कभी कत्ल कर दिया जाता है, कभी गायब करा दिया जाता है, कभी जेल में डाल दिया जाता है, कभी उसकी जुबान बंद कराने के लिए डिफरेंट हथकंडे अपनाए जाते हैं, तो क्या मुल्क इनके बाप का है जो हम बोल भी नहीं सकते? इस पे क्या कहेंगे, क्या मुल्क इन सबके बाप का है? देखें, साफ अगर देखें तो इनके बाप का ही है, क्योंकि एक ही खानदान है 30 सालों से राज कर रहा है, कभी उसका बाप आता है, कभी उसका भाई आता है, कभी उसका बेटा आता है, तो हुआ तो इनके दादा पर दादा का ही ना, मानने पे तो यही आता है कि एक ही खानदान है जो कि मुल्क संभाले बैठा है। अनम हम कहीं शिफ्ट हो जाते हैं, हम क्यों रह रहे हैं फिर इधर? शिफ्ट होना इतना आसान थोड़ी है, बाबाए कौम का एक वीजन था। अगर हम एक एक बंदा, मैं एक बात जानती हूँ, महविश देखें, अगर इमरान खान के पीछे लोगों ने इतना कुछ करके इमरान खान को बाहर निकलवा दिया ना, तो यही कौम का जज्बा, अगर वो एक इंडियंस बहुत मजाक उड़ाते हैं, वो ये बात कहते हैं हमारा जज्बा ही बहुत है, हमें कहते हैं ना अक्सर उकाद हम पब्लिक रिव्यूज लेते हैं तो सबसे पहले पाकिस्तानियों की ये कॉमन लाइन होती है हमारा जज्बा बहुत है। भाई अगर इतना ही जज्बा है तो इमरान खान के पीछे मत जाओ, अगर इतना ही जज्बा है तो अपने लिए लड़ो, इतना ही जज्बा है तो एक एक बाहर निकल के रोटी के लिए लड़ो, आटे की महंगाई के लिए लड़ो, पेट्रोल महंगा होता है तो पेट्रोल की लाइनें लगा देते हो। अना वैसा ही है, इमरान खान के पीछे लाने की आपने बात की, तो ये वो कौम है जिनको इस चीज से घंटा फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ये उस चीज के लिए अगर एहतजाज करते तो आज ये मुल्क जहां है वहां नहीं होता। जी जी बोले, मैं भी जी जी बोले, मुझे आवाज आ रही है आपकी? ओके ओके, खैर मुझे बताएं पाकिस्तान में अभी ये तो जो भी सीन चल रहा था उसके बाद अब कश्मीर के अंदर भी हमने दोबारा से टांग फंसा ली है, G20 कल से शुरू होने जा रही है जो कि पाया तकमील तक मुझे पहुंचते हुए दिखाई दे रही है, और उसके बाद बहुत से ऐसे इकदाम बहुत सारे अंजाम दे दिए जाएंगे जिनके बाद हम कश्मीर के डेवलपमेंट, कश्मीर की ग्रोथ और कश्मीर के यूथ को बहुत ऊपर देखेंगे, अबव द बेल्ट देखेंगे, और मुझे लगता है कि वो अपनी तरक्की पे बहुत खुश भी हैं और पाकिस्तान से नफरत और बढ़ गई। मुझे लगता है आपने वो न्यूज नहीं सुनी अभी जो कि पाकिस्तान में आज ही बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, मैं आपको बताती चलूं, मे बी आपने ना सुनी हो या शायद आपने सुनी भी हो। आज ही जो बाइडेन ने एक स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा है मजाक मजाक में कि नरेंद्र मोदी का मुझे ऑटोग्राफ लेना चाहिए, और उन्होंने क्यों कहा, नरेंद्र मोदी जा रहे हैं यूएस और यूएस के सिटीजन्स जो बाइडन को इतना ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनके स्टेडियम की जितनी सीट्स हैं उससे ज्यादा वहां पर यूएस सिटीजन हो गए हैं, तो जो बाइडन ने कहा कि जितने सिटीजन वहां पर आ गए स्टेडियम में, मैं स्टेडियम के अंदर लोगों की तादाद कैसे कम करवाऊं, नरेंद्र मोदी की स्पीच सुनने के लिए यूएस सिटीजन स्टेडियम को भर चुके हैं। भाई आप मुझे बताओ, हम कहते हैं बुच्चर ऑफ गुजरात, एक बंदा जो कि कातिल है गुजरात का, उसकी स्पीच के लिए यूएस सिटीजन इतने मरे जा रहे हैं, बाहर के मुमालिक के एक एक पर्सन को नरेंद्र मोदी पसंद है, सिवा इधर पाकिस्तान में सिर्फ उनका टाइटल है गुजरात का कातिल। जो सिनेरियोस हुए, जो कुछ हुआ, हम पीछे अनम अगर हम मोदी जी को बुचर ऑफ गुजरात कहते हैं तो मुझे बताएं हम भी तो बुचर ऑफ कश्मीर हुए ना, जिन्होंने 75 सालों में सिर्फ कश्मीर की आजादी का, कश्मीर की यकजहती का, कश्मीर के जद्दोजहद का गला घोंटा है। आज अगर वो कश्मीर किसी प्लेटफॉर्म पर खुद को रिप्रेजेंट करने जा रहा है तो हम आज भी उस कश्मीर का गला दबाने के लिए आर्ग्यू करने लग गए तमाम ममालिक से कि मत जाओ, मत करो, मत लड़ो, मत उनकी डिवेलपमेंट होने दो, तो फिर हम भी तो बुचर हुए ना। मे बी
कह सकते हैं, मगर आज आप और मैं ये कहेंगे तो कल हमारे लिए भी मसला बन सकता है। खैर मुझे बताएं इन फ्यूचर कहीं हालात आई होप यू बेहतरी। कैन अंडरस्टैंड। जी जी मैं कह बोले, रही हूँ मुझे उम्मीद है कि आप मेरे खामोशी को समझ सकती है। बिल्कुल समझ सकती हूँ, है ना। मुझे बस आखिरी बात ये बताते चलो कि इन फ्यूचर पाकिस्तान को कश्मीर या इन हिंदुस्तान के कहीं करीब आसपास देख रही हो, क्योंकि जो हम चीजें हमारे जैसे यूथ मिलके दोनों ममालिक के दरमियान बेहतर करना चाह रहा था, मुझे लगता है कि पाकिस्तान के 3-4 महीने के रिपीट बुरे एक्ट के जरिए वो चीजें और बुरी हो गई हैं। बिलावल भुट्टो का वहां जाना, इमरान खान को लेके पाकिस्तान में जो कुछ भी हुआ, दोनों पार्टीज का पीएम मोदी के खिलाफ बोलना, बिलावल भुट्टो का फॉरेन जो है ना इंटरनेशनल